ज्योति जागृत संस्थान श्री हरि कथामृत का आज 19 से 21 अक्टूबर तक होना है। इसका दूसरा दिन भजन संध्या चलते हुए इस समय टाइमिंग आपका 5:30 से 8:30 बजे तक आशुतोष महाराज जी द्वारा कथा कही जा रही है। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान, इसका ऑफिस प्रीतम नगर में है। बाबा के हेतु की कृपा कि कल के बाद आज फिर एक बार मुझे यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य मिला। भजन संध्या चलते हुए आज इस समय आग्रह करना चाहेंगे मन चिन्ह जताए दूसरे दिन का गणेश केसरवानी जी जिला अध्यक्ष बीजेपी उसके आग्रह मन चिन्ह कटाएं के लिए। दूसरे दिन की कथा का शुभारंभ होने जा रहा है श्री डॉक्टर नंद किशोर शुक्ला जी सिराथू कोसाम्बी से औपचारिकताएं पांडे जी पेशकार की जा रही है। वैसे देखा जाए तो श्री अखिलेश कुमार इस तरह की औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। श्री हरि कथा अमृत मिश्रा जी नैनी से नैनी प्रयागराज से श्री संतोष श्रीवास्तव जी भगवतियाबाद से इंद्रराज यादव जी एमआरएस बैडमिंटन अकादमी श्री रविशंकर जी कुंडा प्रतापगढ़ से काय गेट श्रीमती शशि पांडे जी जलवा प्रयागराज से श्रीमती अनुपमा श्रीवास्तव जी
अभी भी लोग उसमें श्रीहरि कथामृत में पधार रहे हैं धीरे धीरे। ये मेन गेट इसका व्यक्त करते हुए देवी जी सैनी कॉलोनी ये श्री हरिहर सिंह जी नीता नगर से दिव्य ज्योति जागृत संस्थान माय बाय खिलाड़ी प्रज्वलन होने जा रहा है। जय बाबा नीम करोली। आशुतोष एक नाम महाकाल का भी है तो उस हिसाब से तो मतलब देखा जाए तो बहुत ही बड़ी बात हुई। शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी गर्भी होए संत सगामा समागम श्री हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। जय बाबा नीम करोली। एग्जीबिशन भी हो रहा है इसके प्रचार के लिए देखिए सामने बाहर हमने अपने अंतर्घट में उस ईश्वर का दीदार किया। जय बाबा नीम करोली।